आवांगे देखने वाले पटांगे पूरे चाले पालूंगा अंधी जापी आई एम हैप्पी ओ वेरी वेरी हैप्पी ओ वेरी वेरी हैप्पी 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 अरे हैप्पी क्यों रहता कुछ भी नहीं बेटे इबाल तो ना सिर्फ देखने वाले आवेंगे जहाँ दिल लग रहा तो अपने आप नाचने जितना ब्याह हो जाएगा नहीं फिर तो ना बगानी जाए चाहिए का यार एक तो हम सारे के सारे नेगेटिव बात क्यों करे करा व्हाट नॉनसेंस जितना पता था कि ब्याह की इतनी साइड इफेक्ट है तो फिर था ना क्यों कराया था ब्याह अरे फिर माना थोड़ी पता था कभी मर गया नूनू बन जाएगी अच्छा तो फिर जिस तरह यह बार बार ज्ञान की बरसात करना था मेरे लवाजनिया स्त्री तरफ नहीं किसी ने कोई ज्ञान का टुपका फेंका था तो कह करा थे मरते भी पर उस टाइम तो माना चो चढ़ रहा था फिर बाद में लगे सही पता तो अब तो फिर मैं भी तो इसी धरती लोक का प्राणी हूँ मैं कौन सा किसी दूसरा ग्रह बता रहे हूँ मन अभी ब्याह पीछा लग गया पता अरे फिर मैं तना टाण थोड़ी लग रहा हूँ अगर तो ब्याह ना करावा मैं तो तना लग रहा है अगर इतना उछलने की लोड़ नहीं जो ये ब्याह का लड्डू हो नहीं सिर्फ हाथ मलियो सोना लगा खाए पीछे तो छत्ती रोग लावा जैसे की अपने ऐसे सिख रहा कहना तो यहाँ बहुत कुछ चाहूँ पर कहना ही नामता नहीं। यार कल ने मना देखने वाले आवांगे तो मैं क्या करूं करना क्या था दिख जिए अरे दिखूंगा तो है पर मैंने समझ नहीं आ रहा कि किस तरह दिखूं ले दिखने में समझने वाला के चक्कर आ अरे मेरा मतलब है कि अलग सी तरिया किस तरह दिखूं अलग सी तरिया कन्नू करिए सिर नीचा टांग ऊपर कर लिए तो जाम जिस तरह का था बाद में होया ले ये बाप को तो लग रहा था कहना मना अलग सी तरह दिखना अलग से तो नहीं दिखेगा भी अरे अलग सा था मेरा मतलब कि बढ़िया डाल किस तरह दिखूं जिस तरह मेरा पूरा इंप्रेशन पड़ा अच्छा इंप्रेशन पाना के फिर नु करिए जब तो उनके सामने जाएगा नी अपने गिल्ला चार पांच बंदे लीजिए जब तेरे आगे पीछे बंदे होंगे नी तो तेरा पूरा रोप पड़ेगा इंप्रेस करने वहां डराने नहीं है चार पांच बंदे के लाइए अरे जो नाम चार पांच मत कोई सा पसंद आ गया फिर क्या करूंगा मैं भाई खैर यह बात भी आ पर यह बात मैं तेरी सिर्फ एक शर्त में मान सकूं के जे चारों पांचों तेरा वर्ग मिलते हो क्योंकि जे सारे के सारे तेरा वर्ग होंगे नहीं तो फिर तुम बनना ही पसंद करेंगे के कुछ नहीं 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 के मतलब है तेरा अरे कुछ नहीं है मतलब बेकार है तो आइडिया तुम और सोच कुछ आइडिया फिर अपन नु करा तेरा बड़े से स्टाइल बनवा के लावा तो पूरा एंडी लगेगा अपना गांव वाला रोहित गंजा देखा हां उसकी बहुत सारा गांव में सबता सुनी है तो इन एयर स्टाइल तो कुछ नहीं होता और सोच कुछ बढ़िया सा और के सोचा फिर अपन करा तेरे मुंह पर फेशियल स्क्रब क्रीम कुछ ते कुछ अड़गम सड़गम लुआ का तेरा रेती रुती मरवा का तना जमी गोरा चिट्टा कटवा दा जब तो उनके सामने आएगा नी दूर ते लस्कारे पड़ेंगे लस्कारे अंखा में चौंधक लगेगी अरे तुम गोरा चिट्टा और कितने चिट्टा कटवागा तुम न्यू गेम तेन थोड़ी दिखाना अभी मेरी माँ इंग्लैंड किया अरुण भी यहाँ गोरे चिट्टे लिखने वाली बात हो तो थोड़ी कम करे कर अरे भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है एक तो तना आईडिया लग रहा है बता ऊपर से तो मेरी माटी लग रहा है कुटन अरे मैं कुछ जाने का कुटू तेरी माटी तू इसी सी बात करके अपना आप कटवा लिया अभी तो बढ़िया से सोचना कुछ आईडिया के यू आईडी तना बता मैं अरे तो इसने भी कैंसिल कर देगा यू आईडी तो ना अमल होने के बाद पता लग गया चल अरे एक मिनट सुन तो ले भी चल 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 के चक्कर आ रहा भाई ये बाल तुम्हारे छोरे का रिश्ता पक्का नहीं होया अरे ये बैंड बाजे वाले पहले आ लिए ओ भाई साहब ये बाल तुम्हारे छोरे ना सिर्फ देखने वाले आवेंगे ब्याह भी कोनी अंदाल थम की ना बुला लिए अरे पापा मैं कोई बैंड बाजे वाला नहीं हूं मैं तो वही हूं जिन्हें कल ना देखने वाले आवेंगे हैं तो यू के जुलूस काट रखे थे ना ले बिस्तर है कपड़े दुआ का मुगा जद कल ना टना देखने वाले आवेंगे नहीं तो तो दूर था चमकागा अरे नु के में गांव की फिर नहीं पता थोड़ी देख के जावेंगे आवेंगे तो घर ही अरे लावा बिठा के देखेंगे तो इसमें दूर तक चमकने वाला क्या चक्कर आ मना कह था इसका पर यू मन नहीं मेरी धक्के दा भरा लाया लैनू के तो नैना आ भाई धक्के दे भरा लाया ओछ नहीं तो तेरा भी होई होगी आहो ताऊ इसो ना कह था मिटते कि कल मना देखने वाले आवेंगे कोई ऐसा आईडिया बताओ जिससे मैं अलग से दिखूं और मेरा देख दे रिश्ता पक्का करदा तो मना दिखा दिया अलग सा अरे सोरे रंग बिरंगे से तेरा मामा बन रहा बचोला और जिस साहब तेना जुलूस काट रखा है नी तेरे रिश्ते की तो छोड़ मना तो लगा कदी मैं तेरी माना भी नहीं पुट्ठी ले जा अरे जा लग जा पुट्ठी देखा है कपड़े और कोई ऐसे कपड़े पहन ले जिनका कोई मुंह सिर भी हो ले पापा किसी बात कर रहे तो मुंह सिर तो मेरा अभी कपड़े थोड़ी मुंह सिर हो करा अरे मेरे कहने का मतलब आ कि कोई चंदसूर के कपड़े पहन लिए
राम जी। राम राम, आओ जी आओ बैठो। आगे जी आगे। और जी ठीक ठाक जी? हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। बोला ये रहा पानी पुड़ी है। अरे जब पानी देगा फट दीजिए। क्यों मैं क्यों देगा हूँ? देखने वाले तन्ना रे पानी में देगा हूँ। अरे मन ना देखना रे दीदी तो तन्ना लाग रहे कहने, क्योंकि मैं तो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। मेरा मतलब क्लास जरूर छूट जाएगा तो पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। जबा जगह थोड़ी सी बस ठीक है। तुम भी ये भी तो नर्वस हो रहा है, क्या करेगा? अच्छा चौधरी साहब, क्या बच्चे हैं आपा? बस जी अपना पतो ले दे का एक ही छोरा। अरे ले दे काले के चक्करा मन के बेरा बीच दे पूछ भी। चौधरी साहब यू ले दे काले के चक्करा? चक्कर क्यों होता जी? वो तो हूं कहना माजा कभी ले दे गए की आ। अच्छा अच्छा, आपने भी तोड़ी ब्रेक मार लिए। एक आधा चक्कर और जम लंदे हैं यू आप तो किस दे कर दे जोंदा तो पूरा एक ही होता भी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब भी एक दो चक्कर और कर लंदे। अच्छा देखो जी, मारी तो एक ही सोचा, अगर भी जो अपना मन कवा वह मान लियो, और गिदड़ा का झुंड इकट्ठा करने का के फायदा? इससे बढ़िया तो शेर जैसा एक ही जाम लियो। ओए होए होए होए, अरे बेटा क्या बात है, कहाँ चलिया? आप पकौड़ी भूल आया था अंदर, वह लेने जाऊंगा। अरे पकौड़ी में कुछ नहीं हो रहा, नहीं लिया चार आजा बैठ जा। राम इसका शेर जैसा छोरा यू ही आगे। आहो ठीक है बात। अच्छा चौधरी साहब, जमीन जून कितनी आवा अपने पास? देखो जी, जमीन तो थोड़ी आ, दो एक किले है जमीन के, तो बाकी थोड़े बहुत डंगर रख रखे, इनका दूध पा दिया, काम ठीक चल रहा। अच्छा छोरा क्या कर रहा जी आपका? इबाल तो नहीं कुछ करदा, बाकी बहुत जल्द कर देगा। मतलब जी ये भी तो मेरे गले ही खेत का डांगर डूंगरा का थोड़ा बहुत काम करा दिया, बाकी पढ़ाई चल रही इसकी, और भी बथेरा कुछ लग रहा है सीखन, तो थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई बेला तो रहता नहीं आगे नहीं। अच्छा बेटे तुम बता, तो क्या बनना चाहवा? देखो जी, बनना तो सारे मुकेश अंबानी चाहवा, सबो चाहवा कि उनका बड़ा तगड़ा बंगला हो, बड़ी बड़ी गड्डियां हो, आत्मा तगड़ी पावर हो, पर सारे बन थोड़ी जावा। अपो तो ईमानदारी तर मेहनत अपना काम करेंगे, बाकी तो परमात्मा की मर्जी है, जड़ा तक ले जाने होंगे ले जाएगा भी। अच्छा बेटे तेरे में कोई ऐप तो नहीं आ, मतलब कोई नशा तो नहीं करदा? कमाल कर रहे हो जी आप भी, इमे अपने मुंह तो अपनी बुराई थोड़ी करूंगा, अपना बारे में तो सब अच्छा ही बतावा, या बात तो अपना गम राम मत पता लगेगी। हाँ पर बाकी पूछो एन तसल्ली दा कहीं बंदे ना, क्योंकि एक आधा तो जलन नाला भी हुआ तो बंज ही मारेगा भी। अच्छा चौधरी साहब, कोई डिमांड तो नहीं आपकी? ना जी ना, यह कैसी बात कर दी अपना, भला जिसने अपनी छोरी दे दी तो समझ लो उसने अपना सब कुछ दे दिया, और वो भी जिसका अपने घर ते नहीं पूरा पटे उसका दूसरे के घर ते के पूरा पटेगा? देखो जी अपनी तो एक ही सोचा, अगर भाई छोरा और छोरी एक दूसरे ना पसंद कर लो या खुश रहने चाहिए, बस अपनी तो ये सीमा में हो जा। ठीक है वाह चौधरी साहब। मंगे राम यूं तो सिस्टम ठीक है, छोरा सोना भी आ, समझदार भी आ, बाप भी ठीक आ, इज्जतदार परिवार आ, और ना कोई डिमांड आ, पर इन बटन जमीन तो नहीं आंदी, और ना छोरा सरकारी नौकरी आ, ये बापू किस बेस पर रिश्ता करा? देखो जी इसमें आपा कुछ नहीं कह सकते हैं, आपकी लड़की आ जिसनों आपने ठीक लगे उसको करो, बाकी अगले ने कोई झूठ तो बोले नहीं आ, सब सच सच लग रहा बोलन, और छोकरा आपने देख ही लिया, छोकरा समझदार आ, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ऐसी बात नहीं आ। नहीं कुछ ना कुछ तो कर लेगा, वह कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको सिर्फ इसी उम्मीद पर कर सकते ना, ये बाय चांस चलना ना कुछ करा तो कुछ ना कुछ बैकअप तो होना चाहिए। चलो देख लियो आपकी मर्जी है, जिसने अपने ठीक लगा, बाकी डायरेक्ट ना करियो, कुछ ना कुछ बनना मार का जवाब दे दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं अपने साथ कर लूंगा। देखो चौधरी साहब, मन्ना सारा कुछ पसंद आ, पर बात यह कि मारी छोरी है पढ़ी लिखी, वो कल्ला नौकरी भी करेगी और अंदर बार भी जाएगी, आपनु तो आपने इस चीज से कोई दिक्कत आगे नहीं? देखो जी आपनी तो यही सोचा, अगर भाई यूं तो दी बहू घर में ही ठीक लगा, बाकी आजकल जमाना थोड़ा बदल भी रहा, तो यह चीज तो छोरे के हाथ में, अगर भाई ये नौकरी कराएगा अब नहीं कराएगा। इस तरह के शॉट्स लगाते रहे, क्योंकि ओवर में अगर बाउंड्री आएगी तो फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर आ जाता है। अच्छा बेटे तुम बता, तो नौकरी करवाएगा कि नहीं? देखो जी यह सब तो बात की बात, ना तो मैं कहता कि मैं नौकरी कराऊंगा, और ना मैं कहता कि मैं नौकरी नहीं कराऊंगा,
क्योंकि अगर भगवान ने मेरा ही काम बढ़िया चला दिया तो फिर तो ना बाहर धक्के खाने की और फालतू टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। पर भगवान ना करा अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि मेरा कल्ला ही काम करे तो पूरा ही नहीं पटा तो फिर तो नौकरी की दिहाड़ी भी करनी पड़ेगी। ये गेंद गई है फलक में। अरुण भी ना तो इन बातों का आपना कोई मतलब और ना मेरा बाप ना कोई मतलब, क्योंकि ब्याह मारा होगा जिंदगी माना काटनी तो इन बातों की सलाह तो मामा आपस में करेंगे भी। सारा गया था ना तो बैठ जाना थोड़ा सा टाइम बाद मंजा पा। ये गेंद गई है एक बार फिर दर्शक दीर्घ में। अच्छा चौधरी साहब कोई नहीं बताओगे थोड़े दिन में सलाह करगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई बात नहीं, जिस तरह अपना ठीक लगा उस तरह करो। अच्छा जी राम राम। अच्छा जी राम राम जी। एरा आए थे तुम देखने आज? आखो आए थे। फिर कर गए रिश्ता? इबाल को नहीं करके गए। और इबाल तो घी का पीपा देकर गए हैं। घी का पीपा? आहो नु कहते थे यू घी का पीपा खाकर थोड़ा तकड़ा हो जा, छह महीने पीछे दोबारा आवेंगे फिर कर जाएंगे। हैं और जे क्या थे घी का पीपा खाकर भी तकड़ा नहीं होया? फिर गई थी अगले की छोरी डूबण दा तो सही घी का पीपा ही डूब जाएगा। अरे ले नु थोड़ी होया करा ढंग से बता देना क्या नहीं करोगे। अरे मन्ने के पहले भी कहता नहीं करके गए, मैं कौन सा उनका मैं बढ़ रहा हूं। अपनी दी यार सारा कुछ पूछ कर पहले तो बोले क्या हूं तो मारा सारा कुछ पसंद आ पर थोड़े दिन में सलाह कर बतावांगे। बाकी मेरे साहब ते ये थोड़े दिन वाली सलाह कदी होए तो कर देनी आ। नहीं होगी नहीं सी मैं की कर सकूं इसमें। चल छोड़ अपने ऐसी तैसी कराने दे, चल अपन तो मिलने में चाहगा। हां आ जा। राम राम जी राम राम। आओ जी बैठो। यू है छोरा देख लो। अच्छा चौधरी साहब क्या कुछ कारोबार अपना? अपने पाजी दस तो किले आ और कल्ला छोरा और छोरा भी सरकारी नौकरी आ, परमात्मा ने सारी तरह की मौज कर रखी आ। वाह जी वाह तो बहुत अच्छी बात आ। बाकी घर बार आप देख ही सका और फिर भी था ना कोई डाउट हो तो आप गांव में आप पता भी कर सका। ना जी ना ऐसी कोई बात नहीं आ, देखो छोरा माना पसंद आ, बाकी आपने बता दो भी आपकी कोई डिमांड तो नहीं आ, क्योंकि मार पास देन लेन ना कुछ नहीं आ, मार पास सिर्फ पढ़ी लिखी समझदार गरीब छोकरी आ। ना जी ना डिमांड क्या की थी, परमात्मा ने सारी चीज दे रखी आ। वाह जी बस ये सुनना था आपके मुँह से यो पकड़ो रपिया मारी गंदर इस तो पक्का। एक मिनट है क्यों नहीं है डिमांड गड्डी चाहिए वो भी क्रेटा टॉप मॉडल। शाबाश Proud of you। तू तो वही किसी लगे थे पहला देखना आए थे। बिल्कुल सही पहचान है अपना, मैं वही हूँ जिन आप कई दिन पहला देखना आए थे। और जिसका अपना सिर्फ इस कर का जवाब दिया था क्योंकि ना तो मेरे पास जमीन थी और ना मेरे पास सरकारी नौकरी। फिर इस माँ गलत किया ना तो तेरे को सरकारी नौकरी ना तेरे को जमीन तेरी गल्ला ब्याह करके मान थोड़ी भूखी थोड़ी मारनी। बिल्कुल सही बात है माननी भी नहीं चाहिए क्योंकि कैब तो मारा करा तो रोटी पक दे भी होंगी एक नहीं तो फिर इस पर तो जमीन भी यार सरकारी नौकरी भी आ तो करो रिश्ता। बस इन गल भी क्या रिश्ता करा या तो कच्चे बंदे लिखड़े मैं तो गड्डी की डिमांड कर दी। अच्छा मतलब इनकी डिमांड डिमांड और थारी डिमांड कुछ नहीं? मन ने क्या डिमांड करी है? क्यों सरकारी नौकरी यार जमीन बालनी या डिमांड नहीं है? लाइफ में डिमांड के थी तो अपनी दी बेटी बात का अच्छा घर बार देखी है। हाँ तो फिर दिख तो गया अच्छा घर बारे करो ना रिश्ता। अच्छा घर बार उस घर के सदस्यों की सोच तो है करा उनका व्यवहार तो है करा, पैसे तो नहीं क्योंकि पैसे तो कल है नहीं थे आज है यहाँ कल ना फिर नहीं उनके क्योंकि टाइम तो बदलता रहा पर बंदा तो वही रहेगा नहीं। और जथम अपना घर आता जमीन की यार सरकारी नौकरी की डिमांड लेगा लिखड़ा नहीं तो फिर डिमांड तो अगला की भी हो सका
और इन्होंने थारी दोनों डिमांड पूरी कर दी तो फिर इनकी डिमांड थम पूरी करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इतना बड़ा मुंह बावा क्यों। थाने वह कहावत नहीं सुनी के कि बंदा ना उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हुआ। थाने इनकी जमीन देख ली, नौकरी देख ली, घर देख लिया, पर थाना इसका तो नहीं पता यू किस तरह का। जे ब्याह पीछा इन्हें नौकरी भी छोड़ दी और सारी जमीन बेचकर डिफाल्टरपना मंडा दी फिर क्या करेंगे तम। और चल छोड़ो उस बात ने भी, जे थाना इनकी डिमांड भी पूरी नहीं करी और फिर भी किस तरह किस तरह क्या सुनकर रिश्ता कर दिया तो यहाँ सारी उम्र नहीं थारी छोरी ने जून देने के। और अगर थाना अपनी छोरी की खुशी वास्ता कर्जा ठाका गड्डी दे भी दी तो फिर थारी नहीं जिंदगी रहने की, क्योंकि तम कदले कर्जा भुगत दे फिरेंगे। इस सिचुएशन में या तो थारी जिंदगी नरक बनाएगी या फिर थारी छोरी की। मैं बड़े की इज्जत करूं क्योंकि बहुत सारे काम मां वहां सही हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक परंपरा सोच का शुरू ता लेकर ईब लग गलत कर दे आ रहे हैं। मारी 80% ताई चाची बुआ मामी बंदे गेला नहीं सिर्फ जमीना गेला ब्याह रखिया। रिश्ता करने गए अखनु क्या किले आवा छोरा ना, अखनु क्या आवा 15 किले अच्छा या फिर पकड़ रुपया रिश्ता पक्का। अखनु छोरा देख लियो, छोरा के देखना 15 किले दी गया। फिर बाद में लोटरी में कोई शराबी लिगड़ा, कोई नशेड़ी लिगड़ा, कोई डिफाल्टर लिगड़ा। और जब वह छोरी घर जाकर रोआ फिर अगर तेन कह दिया अख बेटी तेरी किस्मत थी। यार किस्मत किस चीज करावागी, किस्मत तो फोड़ दी था ना लाल चमाक अपने हथों। उन 15 किले का फायदा क्या जो उन्हें सामने वाला ही नहीं ढंग सर कोया। और आज भी वही सिस्टम चल रहा, आज लोगों पर जमीन तो थोड़ी रह रही है, आज सरकारी नौकरी देख दे फिर। सुख चैनता तो खाई हुई, सुख की रोटी भी बथेरी होगा, और क्लेश करके तो चाहे 56 पकवान भी खा ले उसका भी कोई फायदा नहीं। आज तक एक भी छोरी तने ऐसी देखी आ जो किसी अच्छा घर में जागा, भले वह कितना ही गरीब हो भूखी सोई हो, क्योंकि चाहे कोई कितना भी गरीब आ अपनी रोटी का इंतजाम तो सब करो लेवा। भूखी पता कौन सोआ जिनका घर में कलेस रहता हूं, और कलेस कदे भी पैसे की वजह तो नहीं होता, लोगों की सोच की वजह तो हुआ। अच्छा एक बात बता, ब्याह करा का अगला घर में तू जागा कि तेरी छोरी जागी? छोरी जाएगी। तो फिर तने उस तक पूछे एक बार भी क्यों ना कैसा छोरा चाहिए कैसा घर बार चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो उसने काटनी है नहीं, तेरा क्या तू तो बैठाएगा गड्डी में तोड़ देगा। मैनू नहीं कहता कि तुम जानबूझ कर गलत डिसीजन लेवा, अपनी जान में सब सही सोचा कि अच्छा घर बारो मारी छोरी ना किस चीज की तंगी ना हुआ वा खुश रहा, पर थारा ऐसा सोचना कई बार बहुत गलत साबित हो जा, क्योंकि पैसा बहुत कुछ आ पर सब कुछ नहीं। इस करके मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि छोरा देख तेरी छोरी वर्गा, कर देख इज्जतदार, सारी उम्र पछताना पड़ सका जे सिर्फ देखी कोठी कार। अरे हाँ एक बात और तो कहनी था कि ना तो मेरे पास जमीन ना मेरे पास सरकारी नौकरी, तो किसी के कपड़े और उसका रहना सहना देख कर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जितनी सरकारी नौकरी वाला ये तनख्वाह नहीं है उसका दुगना तो मेरा महीना खर्च हो जा। पर यह बात मैंने थारे तक जाने का छुपाई दी, क्योंकि जिंदगी में इतना तो सीख ही लिया कि रिश्ते उनका अकेला बनाने चाहिए जो अपना था प्यार करा अपने पैसे तक। बड़ी है कोई छोटी है, पांचों आंगली कदे बराबर हुई है कि एक सवाल है मेरा सारी ब्याह उड़िया ते, आज लग बिना रोटी खाए कदे कोई सोई है कि बिना गुंदे चुन बनी कदे लोई है कि निम्मा धर्मी आली बात ही किते रही नहीं है, जा गलत है बेटी आले बता इस मांगना बदला सरकारी टोना।